हमास से जारी जंग के बीच इसराइल ने सऊदी अरब को बड़ा झटका दिया। रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल ने वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी में सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल गाजा में जारी जंग को लेकर सऊदी ने इसराइल की काफी आलोचना की थी। इसके साथ ही सऊदी ने इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया था। इस आलोचना के बाद इसराइल ने वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी में सऊदी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी के लिए इसराइल अब इटली का सपोर्ट करेगा। बता दें कि इसराइल हमास जंग को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, जहां वेस्ट कंट्रीज ने इसराइल का खुलकर समर्थन किया था, तो वहीं अरब मुल्कों ने गाजा में इसराइल की कड़ी निंदा की थी। गाजा में बमबारी के लिए सऊदी अरब ने इसराइल की कड़ी निंदा की थी, उसने इसराइली सेना की तीखी आलोचना की थी। इसके साथ ही सऊदी ने इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की भी अपील की थी। सऊदी की इस हरकत के लिए इसराइल काफी गुस्से में था, लिहाजा अब उसने सऊदी का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच पिछले 7 अक्टूबर को छिड़ी जंग अब तक जारी है। हालांकि इस बीच 24 नवंबर को दोनों के बीच 4 दिन का युद्ध विराम देखने को मिला था। बता दें कि वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी की रेस में 3 कंट्रीज के नाम है। इन तीनों में से किसे मेजबानी मिलती है वो आज पता चल जाएगा। मेजबानी के लिए आपस में टकराने वालों में सऊदी अरब, साउथ कोरिया और इटली का नाम है। ऐसे में इसराइल का कहना है कि अगर इसकी मेजबानी इटली को मिलती है तो उसका ही समर्थन करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।